दोस्तों यार Xiaomi Mi 11 i जो है वो लॉन्च हो चुका है। इसमें जो स्पेसिफिकेशंस ऑफर की गई है काफी दमदार है और ये जो फोन का डिजाइन है मिलता जुलता है Mi 11 सीरीज से। तो यार वीडियो को जो है पूरा देखना और आप सभी को जो है इसकी स्पेसिफिकेशंस डिटेल्स एंड क्या होगी प्राइस इंडिया में सभी चीजें इसी वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। नेटवर्क कनेक्टिविटी की बात करूं सबसे पहले तो यहां पे 5G बैंड्स 4G बैंड्स एंड वहीं पे 3G 2G का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। स्पीड काफी अच्छी देखने को मिलती है एंड जो इसका लॉन्च है वो हो चुका है ऑलरेडी मार्च 29th को एंड ये कमिंग सून है इंडिया में। जो बॉडी है इसकी काफी अच्छी डिजाइन की गई है, 196 ग्राम्स का ये जो है फोन है। डुअल सिम लगा सकते हो इसमें, नैनो सिम है एंड दोनों ही सिम जो है 5G सपोर्ट करते हैं, यानी आप जो है दो सिम्स को इसमें 5G यूज कर सकते हो। IP53 का यहाँ पे आपको जो है रेटिंग देखने को मिलेगा, डस्ट एंड स्प्लैश से जो है प्रोटेक्शन देखने को मिलती है, सुपर एमोलेड की स्क्रीन देखने को मिलती है जो कि 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आती है। वहीं पे HDR10+ का भी सपोर्ट है। जो ब्राइटनेस देखने को मिलती है वो है 1300 निट्स की पीक ब्राइटनेस दी गई है, 6.67 इंच की डिस्प्ले साइज देखने को मिल जाती है। वहीं पे जो प्रोटेक्शन है आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का जो है प्रोटेक्शन देखने को मिलता है स्क्रीन पे। प्लेटफॉर्म की बात करें तो इस फोन में आपको एंड्रॉइड 11 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलता है, वहीं पे MIUI 12 देखने को मिल जाता है। चिपसेट जो इसमें लगा हुआ है वो स्नैपड्रैगन की तरफ से लेटेस्ट एंड फास्टेस्ट है जो कि स्नैपड्रैगन 888 5G प्रोसेसर है, ये 5 नैनोमीटर पे बेस्ड है। ऑक्टाकोर का प्रोसेसर है एंड वहीं पे एड्रिनो 660 GPU देखने को मिलता है। इस फोन में जो स्टोरेज ऑफर की गई है दो वेरिएंट्स में, एक 128GB की स्टोरेज है एंड एक 256GB की स्टोरेज ऑप्शन भी देखने को मिलती है। यहाँ पे जो रैम है वो फिक्स है, 8GB की रैम देखने को मिलेगी। आप चाहे 128GB खरीदो या फिर 256GB स्टोरेज वेरिएंट खरीदो, यहाँ पे 8GB की रैम देखने को मिल जाएगी। वहीं पे जो स्टोरेज है वो UFS 3.1 है। यहाँ पे आप कार्ड स्लॉट इसमें नहीं लगा सकते हो, यानी मेमोरी कार्ड लगा के जो है स्टोरेज को एक्सपैंड नहीं कर सकते हो, पर का स्लॉट देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं कैमरास की, तो इसमें आपको 108 मेगापिक्सल वाइड लेंस मिलता है जो कि मेन सेंसर का काम करता है एंड वहीं पे 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर दिया गया है। 5 मेगापिक्सल जो है मैक्रो शॉट्स के लिए भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है। 108 मेगापिक्सल का जो सेंसर है काफी अच्छी क्वालिटी के पिक्चर्स क्लिक करता है। वहीं पे 8K एट 30fps तक आप जो है इसमें वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। सेल्फी कैमरा की बात करें तो यहाँ पे 20 मेगापिक्सल का वाइड लेंस मिलता है आगे की तरफ वीडियो कॉल्स और सेल्फीज के लिए। इससे 1080p एट 30fps तक वीडियो को रिकॉर्ड किया जा सकता है। वहीं पे स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाएंगे एंड हेडफोन जैक जो है 3.5mm हेडफोन जैक इसमें नहीं है। मिल जाएगा। चार्जिंग की बात करें तो यहाँ पे आपको जो है 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाती है एंड 4520 mAh की जो है नॉन रिमूवेबल बैटरी।